आज मैं लेके आया हूँ बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी ईद के हिसाब से, और आम दिनों में भी आप मेहमान आए तो ये बना के खिला सकते हैं। आज मैं बनाऊँगा रबड़ी खीर। एक यूनिक स्टाइल है, थोड़ा सा अलग हट के इसका मेथड है। वीडियो में बने रहिएगा, पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह रोज मज़ा आएगा। चलते अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने लिया है 2 किलो दूध। मैं 2 किलो दूध की खीर बनाऊँगा, और इसको एक बर्तन में उबालने के लिए रख दिया है। इसको हम अच्छी तरह से उबालेंगे। इधर हमारा दूध उबल रहा है, इधर ये मैंने चावल ले लिए हैं, एक प्याली तकरीबन चावल लिए मैंने 200 ग्राम करीब। मैंने इनको 1 घंटे पहले भिगो दिए थे। अब इसको मैं थोड़ा दर दर सा पीस लूँगा। ये प्याली मैं निकाल लेता हूँ। जो हमने चावल पीसे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे दूध में, ताकि दूध के साथ ये भी नरम हो जाए, अच्छे से पक जाए। दूध में हमारे अच्छा सा उबाल आ गया है और चावल भी इसी में गल रहे हैं, तो हम इसमें थोड़ा सा केसर डालेंगे, ज़ाफ़रान के थोड़े से धागे डालेंगे इसके अंदर, बड़ा अच्छा कलर आता है। हमारा दूध अच्छा सा गाढ़ा हो चुका है, और इसके अंदर जो हमने राइस डाले थे वो भी गल चुके हैं तकरीबन। अब इसमें हम डालेंगे कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अभी हम इसको और मज़ीद पकाएंगे। थोड़े हमारे चावल अभी थोड़े मोटे हैं, तो इसको मैं पीस देता हूँ ग्राइंडर से। आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही पका के भी चावलों को तैयार कर सकते हैं। हमारे चावल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और खीर हमारी गाढ़ी हो चुकी है। इसको हम मज़ीद थोड़ी देर और पकाएंगे। अब मैं डालूंगा इसके अंदर 4 चमचे सूखे दूध के। ये बिल्कुल आपको खोए का मज़ा देगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने खोया डाला है। इसीलिए हमारी ये रबड़ी खीर खिलाएगी और ये इसके अंदर रबड़ी बन जाएगी। इसको अभी हम थोड़ी देर मज़ीद पकाएंगे ताकि हमारा दूध अच्छा सा गाढ़ा हो जाए, हमारी खीर बनके रेडी हो जाए। तो हमारी खीर अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम डालेंगे इलायची। मैंने थोड़ी इलायची कूट के रखी थी वो डालिए। थोड़ा डालूंगा मैं बादाम, थोड़ा डालूंगा मैं इसके अंदर पिस्ता। अच्छे से मिक्स कर लूँगा। हमारी खीर देखिए कितनी गाढ़ी हो चुकी है। तो इसको हम 1-2 मिनट और पकाएंगे, फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो मैंने कैरेमल बना के थोड़ा कैरेमल बना के भी डाला है इसमें। आप चाहें तो कैरेमल बना के डाल दें या फिर चीनी का इस्तेमाल कर लें। कैरेमल से ये होता है कि ये पानी नहीं छोड़ती, चीनी डालेंगे तो आप वो पानी छोड़ देगी। तो हमारी खीर बहुत ही शानदार सी गाढ़ी हो चुकी है और तैयार हो चुकी है। ये देखिए इसमें ये बुलबुले भी निकलने लगे हैं, इसका मतलब ये है कि अब एकदम गाढ़ी हो गई है। अब इस मरहले पर हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए हमारी कितनी गाढ़ी खीर बनी है, रबड़ी खीर। ड्राई फ्रूट से हम इसको गार्निशिंग कर देंगे। अब मैं ट्राई करता हूँ कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो, बहुत ही लाजवाब थिक और गाढ़ी बनी है व्यूअर्स। परफेक्ट। देखें कैसा कितनी स्मूथी टेक्सचर है, बहुत ही गजब की खीर बनी है व्यूअर्स। बनाएं घर में, सबको खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं। ईद आ रही है, ईद पे बनाएं। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। खाते पीते रहें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।